गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अपने गांव से निकल चुकी हूँ गुड़गांव के लिए। एक्चुअली मेरी वापसी है गांव से। और ये देखिए, हमारे गांव के खेत हैं, ये ईख है, गन्ने हैं। इधर की साइड गन्ने की फसल काफ़ी होती है। तो देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। टाइम है 5:30-6 बजे का टाइम है। सूरज हल्का हल्का उगना स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, गांव की तो बात ही कुछ और है। साथ में इनके फ्रेंड है और गाड़ी में भक्ति सॉन्ग चला रखे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। जा रहे हो बच्चों? हम जहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से आए थे, जहाँ से आए थे वहाँ वापस जा रहे हो? हमारी कार है और ये हम हैं और ये हमारी सनराइज हो रहा है। ट्विन आगे लगा लो। लेट फॉर द ट्रेंड। हो गया भाई सनराइज। सनराइज हो चुका है और ये टॉकिंग टॉकिंग चल रही है। आगे दो फ्रेंड्स बैठे हैं, अपनी पुरानी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। और देखो सूर्य उदय हो चुका है अच्छे से, काफी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए उधर की साइड में नहर है, इधर बंदर हैं। ये गंग नहर है, इधर के लोग गंग नहर बोलते हैं। और ये दिल्ली में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये अक्षरधाम मंदिर पहले भी दिखाया था, फिर से भी। अब समझ नहीं आ रहा क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। एक्चुअली हम सारे नींद में हैं क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा उधर। गाइस आ चुके हैं हम अपने घर गुड़गांव। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है घर में, काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ है, धूल मिट्टी वगैरह बहुत कुछ है। अब सबसे पहले आके बैठे थे, थोड़ी देर वेट किया चाबी के लिए। मेरे ससुर जी चाबी लेके आए हैं मेन गेट की। तो मैं अब थोड़ी अपनी किचन की साइड चलती हूँ चाय बनाने। एक एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद लगते हैं बाकी का। तो हम अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये सामान उतर रहा है, ये हमारे अंशु हैं, सामान लेके आ रहे हैं। और ये काफ़ी सारा सामान था। और देखो हमारे घर की हालत कितनी गंदी हो रही है, सारा घर ऐसा ही है। पीछे से मेरे ससुर जी थे घर पर उनके बस के काम करना ढूंढना है। ये आके मैंने इंडक्शन से थोड़ी धूल वूल हटाई है। तो सबसे पहले तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सर में हो रहा है दर्द। तो सुबह चाय पी नहीं थी, ऐसी पी थी, थोड़ी मीठी हो गई थी, मीठी चाय मुझे कम पसंद है। और ये इनके फ्रेंड आए हैं, इसमें गुड़ और शक्कर है। तो ये कुछ कह रहे हैं भाभी जी मैंने कट्टा रख दिया इधर। और ये है गर्मा गर्म समोसे हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। भूख भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है, इसलिए हम लोगों ने समोसे मंगा लिए थे और साथ में चाय है गर्मा गर्म। तो ये समोसे भी हैं हमारे, रेडी हो चुके हैं। अब समोसे खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बाकी सारे काम करेंगे, बाकी सारे कामों में लगेंगे। तो ये चाय भी हमारी बन रही है। तो ये चाय हमारी उबल चुकी है बिल्कुल अच्छे से। आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीजिए और साथ में समोसे खाइए। तो चाय वाय पीने के बाद में मैंने ये झाड़ू का काम, अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया था। तो ये झाड़ू वाड़ू देखिए कितना कचरा निकला है, एक हफ्ते का घर में काफ़ी सारा कचरा निकला है। क्योंकि ये है ना कि बंदा रहता है घर में तो रेगुलर रोज अच्छे तरीके से सफाई रहती है, अगर एक दो दिन भी कहीं बाहर चले जाओ तो पूरा घर काफ़ी गंदे तरीके से हो जाता है। तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से सफाई करनी पड़ती है। होली दिवाली पे करते हैं और मैं करके गई थी सारे घर की सफाई और फिर भी करनी पड़ रही है। अब क्या करें, गाँव में गई थी गाँव में करी थी, अब यहाँ वापसी में आई हूँ तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। अभी एकदम तो नहीं होगा पर 2 दिन में पूरी सफाई कंप्लीट होगी क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं तो। सैड लाइफ है ख़ास तौर से हम लेडीजों की, सैड लाइफ। अब ये देखो कितना सारा कूड़ा है, बहुत सारा कूड़ा निकला था पूरे घर में। और पीछे से झाड़ू भी नहीं लगाई मुझे लगा। आने के बाद में काफ़ी सारे काम हो चुके थे तो सारा दिन मैं आज काम करने में लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने सारा दिन काम करके थक गई थी तो घंटे के लिए सो गई थी। फिर मैं उठी थी, खाना बनाया था, सुबह तो चावल बना लिए थे बस। आने के बाद सफाई का फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने आगे का ब्लॉग शूट नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने शाम का ब्लॉग ही शूट किया है।
और कल है जो होली के बाद जो माता पूछती है वो बांसुरड़ा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपने किचन में फिलहाल ये पुए बना रही थी, देखो ये गुड़ वाले, तो इनकी तैयारी कर रही हूँ। और ये साथ में ही मैंने मीठे, अरे सॉरी 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 साथ में ये मैंने मीठे चावल भी बना लिए हैं। और मेरा ट्राईपोर्ट खराब हो चुका है, ट्राईपोर्ट की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ट्राईपोर्ट टूट गया है, तो ट्राईपोर्ट आएगा जब तक तब तक हाथ से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे ही एडजस्ट कर। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा। तो गाइस खाना बनाते समय मेरा गाना गाने की आदत काफी है, फिर मैं अपना गाना गाती रहती हूँ। इस बार मेरे ब्लॉग में भी आ गई है मेरी आवाज जैसी भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। तो ये सुबह हो चुकी है, तो बांसुरड़ा है वो पूजने के लिए जाना है हमें, तो मैं पूज के आ चुकी हूँ, तो आके मैं मंदिर की पूजा कर रही हूँ अपनी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। ये देखिए हमारी चांदनवाब तैयार हो रही है स्कूल के लिए, अपनी चोटी बना रही है, शीशे में से हेलो कर रही है ये। और छोटे बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, पूजा मेरी हो चुकी है और बांसुरड़ा पूज के आ चुकी हूँ मैं गाइस। तो सारी चीजें मेरी हो चुकी है, सूट मैं कर नहीं पाई थी, फोन ले जाना भूल गई थी घर पर, तो मैं अभी बाकी का काम करने जा रही हूँ, बाकी का बहुत सारा काम पड़ा है मेरे घर में। तो बांसुरड़ा पूज के आ चुकी थी मैं, तो गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी बन रही है, आलू की कचौड़ी काफी बड़ी बड़ी बनाती हूँ मैं, तो काफी अच्छी लग रही थी खाने में, क्रिस्प क्रिस्प, काफी लोगों को सारी फैमिली को पसंद आई थी आलू की कचौड़ी। मीठे चावल हैं, पुए हैं और ये आलू की पिट्ठी काफी सारी बनाई थी मैंने। तो ये देखिए कितनी अच्छे से फूल रही हैं हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, तो ये मैं बना रही हूँ कचौड़ी, और ये साथ में मैंने आलू की सब्जी भी बनाई है थोड़ी सी। मेरे हस्बैंड को आलू कचौड़ी के साथ में आलू की सब्जी काफी ज्यादा पसंद है, तो उनकी वजह से बनानी पड़ती है, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं दही के साथ, किसी के भी साथ खा लेते हैं हम तो, खीर के साथ तो और भी अच्छी लगती है कचौड़ी खाने में। मेरी मम्मी की रेसिपी है खीर के साथ में, कचौड़ी बहुत बनाती है मेरी मम्मी, पर मैं तो आलू की सब्जी बना रही हूँ, आलू की सब्जी बनाई है मैंने। और ये देखो दूसरी वाली कचौड़ी भी कितनी अच्छे से फूली है मेरी, काफी सुंदर सुंदर कचौड़ियाँ बन रही थी मेरी, और रेसिपी में प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रही है क्योंकि मेरा ट्राईपोड टूट चुका है, देखते हैं अगर जुड़ता है नहीं जुड़ता है, तो मैंने ऐसे ही हाथ में मतलब फोन लेके शूट कर रही थी। तो गाइस आ जाइएगा गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी खाने के लिए, आलू की सब्जी है साथ में, मूली गाजर का अचार है, मीठे चावल हैं और पुए हैं, आ जाइए खा लीजिएगा यम्मी सी आलू की कचौड़ी, आलू की सब्जी देखने में यम्मी लग रही है ना, टेस्टी है ना, खा के बताइए जल्दी से। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, पहले आप खाइए बाद में हम सब लोग खाएंगे। और ये है नया हर्बल मेहंदी ली है मैंने, 2 पैकेट लिए हैं मैंने, तो ये मेहंदी मुझे एक्चुअली अपने बालों में लगानी है, तो मैं अपने बालों के हिसाब से तैयार कर रही हूँ ये मेहंदी, तो 2 पैकेट लिए हैं मैंने ये मेहंदी के, 12 रुपये का 1 पैकेट आता है, तो 24 रुपये के 2 पैकेट। तो इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाला है और ये मेथी पाउडर है, तो 1 चम्मच मैं इसमें मेथी पाउडर डालूंगी, तो ये पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें आंवला जूस डाला है मैंने थोड़ा सा, ये आंवला का जूस है जो मैंने बनाकर फ्रिज में तैयार कर रखा है। ये अपना मेहंदी बनाओ तो मेहंदी में डालोगे तो इससे बाल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये मैंने इसको तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह अपने बालों में मेहंदी लगानी है। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी
कि मेरे बाल कैसे हो गए इस मेहंदी को लगाने के बाद में, तो इसे घोल के रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। तो ये अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो ये मेहंदी हमारी फिट चुकी है अच्छे से, तो इसको मैंने ढक के रख दिया है। तो गाइस ये जो मैंने मेहंदी बनाई है, ये मैंने इसको मैं कल सुबह लगाऊंगी। ये गांव गई थी, काफी बाल ड्राई हो गए थे, तो इस वजह से मैंने अपने बालों के लिए बनाई है। ये हवा काफी तेज चली थी, तो ये मेहंदी बालों के लिए काफी हेल्दी है, क्योंकि इसमें मेथी का पाउडर है। मेथी वो ही होती है जो हम लोग उसमें डालते हैं, कड़ी में डाल देते हैं, तो ये काफी वो है। इसमें आंवला का भी वो है, तो बालों के लिए काफी अच्छा है। बाल हैं जो हमारे शाइन करते हैं इस मेहंदी से। अगर इसमें बी फ्रूट होता तो इसका नेचुरल कलर बन जाता, बी फ्रूट यानी चुकंदर। तो वो मेरे घर में नहीं है फिलहाल, अभी मैं ऐसा ही बना रही हूँ जो भी है। तो गाइस आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अपने अच्छे से नए नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय।